सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और उपस्थित सभी प्रमुख पदाधिकारी भाई और बहन, प्रचारक बनने के बाद और अखिल भारतीय दायित्व आने के बाद पहली बार किसी संगठन का संपर्क अधिकारी मुझे तय किया गया। मैंने कई पुराने संपर्क अधिकारियों से पूछा क्या करना पड़ता है, उन्होंने मुझे बताया कि जाना, मिलना जुलना और सुनना, इतना ही करना पड़ता है। लेकिन किसान संघ में शायद पद्धति कुछ ऐसी है कि भोजन जलपान कराया तो उसकी कुछ कीमत लेना चाहिए। मैंने पहले ये सोचा था कि कल समापन में या समापन से पूर्व किसी एक सत्र में थोड़ी बहुत चर्चा करने की बात होगी, उतने करेंगे, वो कामकाजी बातें होती है। उन्होंने कहा वो तो करनी है, एक विषय पर भी पूरा उद्बोधन देना है। तो हम सब भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता हैं और किसान, खेती, जमीन, उसका स्वास्थ्य, उसकी सुख समृद्धि, किसान की भी, खेती की भी, जमीन की भी, ये हमारा मुख्य विषय है। इन विषयों पर हम सामान्यतः सब बातों की चर्चा करते हैं। लेकिन हम एक राष्ट्र में रहते हैं और प्रातःकाल से लेकर कई बार ये विषय आया भी है, दो तीन बार इसका उल्लेख हुआ है कि हम एक विचार से जुड़े हुए संगठन हैं। तो हमारा कोई एक विचार है, एक अधिष्ठान है और एक बार हम कितनी भी प्रगति कर लें, संगठन कितना भी बढ़ लें, यदि उसे विचार की स्पष्टता नहीं रही और कहीं हमारी प्रगति में विचार का समावेश नहीं रहा तो उस प्रगति का भी कई बार कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए हम जिस विचार समूह के घटक हैं, सदस्य, संगठन इस तरह से, तो उस विचार समूह का मूल अधिष्ठान क्या है, विचार क्या है, ये थोड़ा सभी संगठनों में समझने की आवश्यकता है। हमने कई बार सुना भी होगा, कोई मैं नई बात आप सबके समक्ष कर रहा हूं ऐसा तो उसका अर्थ नहीं है। यानी कई बातों को लेकर भारत में बहुत संभ्रम है और जिन बातों को लेकर संभ्रम है उन बातों का संबंध हमारे मूल अधिष्ठान से आता है। जैसे भारत एक राष्ट्र है तो राष्ट्र की अलग अलग परिभाषाएं भारत में चलती हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र बन रहा है, या आजादी से पहले कहते थे राष्ट्र बन रहा है, नेशन इज मेकिंग। तो फिर प्राचीन राष्ट्र है क्या, राष्ट्र बन रहा है इसका मतलब प्राचीन काल से क्या था ये? तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति से ये कहने के बाद कट रहे हैं क्या, स्वाभाविक रूप से यह भी बात आती है। चलो राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र किन का है? तो कभी कभी जब एक शब्द क्यों होता है, भारत हिंदू राष्ट्र, तो अपने मन में भी आता है, रहते तो बहुत लोग हैं, तो केवल इसको हिंदू राष्ट्र कैसे कहना? अब यह संभ्रम मौकों में है और स्पष्टता कई बार न रहने के कारण कई बार अपने मन में भी कई प्रश्न आते हैं, कई प्रकार के संभ्रम आते हैं। वास्तव में दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके बारे में ये एकदम स्पष्टता नहीं है, यदि है भी तो उसने संभ्रम निर्माण किए। Who are we? हम कौन है? दुनिया के देशों में बात नहीं है। जब अमेरिका में ये विस्फोट से वो टावर उड़ाई गई थी
तब समय चला कि भाई क्यों उड़ाई गई था। तो उस समय वहां के विद्वान ने कहा वी आर एंग्लो प्रोटेस्टेंट कल्चर, यानी वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम एंग्लो है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक नहीं है, प्रोटेस्टेंट है, हमारी ये कल्चर। रोम में कैथोलिक के अलावा कोई बस नहीं सकता, जो कई बार हमको सीख देते हैं बहुत तरह की, उनके ये है कैथोलिक के अलावा कोई बस नहीं सकता। ठीक है, जाएंगे आएंगे सब लोग, आप दो दिन तीन दिन पे जाए जा सकते हैं, लेकिन वह कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई बस नहीं सकता कैथोलिक के अलावा। तो वी आर कैथोलिक, ये एक उन्होंने पहचान बनाई। हमारे पहचान नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन कालांतर में उसे कई प्रकार के संभ्रम ये निर्माण होते हैं। मैकाले पुत्र जो अंग्रेजी उसमें पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ही कहा कि राष्ट्र बन रहा है। मार्क्स पुत्र, उन्होंने कहा ये राज्यों का संगठन है, जिसको आज भी कई नेता बोलते हैं। पिछले दिनों इसका एक विवाद चला था लोकसभा में भी, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बोला ये तो राज्यों की एक यूनियन है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। मोहम्मद पुत्र है, वो बोलते हैं क्या कारवा आता रहा, ये सब बसता गया, ऐसा बोलते हैं। चौथे महर्षि पुत्र है, वो कहते नहीं भारत एक प्राचीन राष्ट्र, ये राष्ट्र है प्राचीन राष्ट्र और ये हिंदू राष्ट्र। तो 4M की मैंने आपसे चर्चा की, मैकाले पुत्र, मार्क्स पुत्र, मोहम्मद पुत्र और महर्षि पुत्र, तो इन चारों ने एक अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन हम तो सब महर्षि पुत्र है, महर्षि पुत्रों की जो व्याख्या है वही हमारे लिए व्याख्या है। तो हम एक राष्ट्र है, हम प्राचीन राष्ट्र और हम हिंदू राष्ट्र, ये हमारा अधिष्ठान। अब राष्ट्र है तो राष्ट्र के लिए दुनिया में परिभाषाएं क्या है, दुनिया में राज्यों को मिलाकर देश बने और वही उनको उन्होंने उसको ही राष्ट्र कहा। अमेरिका 50 छोटे छोटे देशों को मिलाकर, इंग्लैंड भी 3 छोटे छोटे देशों को मिलाकर, तो राज्य मिल गए तो एक राष्ट्र बन गया। कबीलाई एक संस्कृति थी तो 4 कबीले मिल गए, वो एक राष्ट्र बन गया। अब उनके यहां राष्ट्र इस तरह से बने, इसलिए उनके यहां राष्ट्र की उस ढंग की कल्पना ही नहीं। हमारे राष्ट्र की स्पष्ट करना कल्पना है, राष्ट्र अलग है, देश अलग है, राज्य अलग है, राज्य शासन व्यवस्था है, देश एक भूखंड है और राष्ट्र उसके 3 महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्र के लिए भूखंड भी चाहिए, राष्ट्र के लिए एक पुत्र रूप समाज भी चाहिए और उस राष्ट्र की संस्कृति भी चाहिए, ये तीनों मिलकर राष्ट्र है। अब इन तीनों मिलकर जब राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं तो हमारा एक भूखंड है हिमालय से लेकर समुद्र तक, और इसे कहा गया है कि देवों द्वारा निर्मित है, इसकी सीमाएं मनुष्य ने नहीं बनाई, देवों ने ही इसकी सीमा बनाकर भेजी। ऊपर हिमालय और तीनों तरफ समुद्र है, ये संरक्षित है, हमने विस्तार किया और देशों में भी गए, वही मैं अलग बात। तो हमारा राष्ट्र देव निर्मित है, तो देव 1947 और 1920 और उसमें तो पैदा नहीं हुए, देव तो पुराने, ये प्राचीन राष्ट्र है हमारा। तो इसकी एक भूमि है, इसका एक पुत्र रूप समाज है और इसकी एक संस्कृति, इनको मिलाकर राष्ट्र बनता है। जब इन तीनों बातों को हम विचार करते हैं तो हमें ध्यान में आ जाता है ये राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है। वेदों में भी राष्ट्र की चर्चा है, जब राष्ट्र सूर्य वगैरह चलते थे और श्लोक बोले जाते थे तो पूरे पूरे भारत की उसकी चर्चा होती है। आज भी संकल्प जब लेते तो क्या बोलते हैं, जम्मू द्वीप भरत खंडे भरत भरसे आर्या बढ़ते, तो
अब भरत खंड भी कह रहे हैं और भरत वर्ष भी कह रहे हैं और जम्मू द्वीप भी कह रहे हैं, तीनों अलग अलग शब्द है ना। यानी हमारे राष्ट्र की सीमाएं भी कितनी थी उसमें से ध्यान में आता है, पूरा व्याख्या करने की उसकी जरूरत भी है, जिनको ज्यादा अध्ययन करना है वो कर सकते हैं, बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो अध्ययन के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं और आजकल गूगल पर भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, उससे अध्ययन कर सकते हैं इस श्लोक का भी क्या मतलब। इसलिए हमारे सबके मन में एक बात पक्की रहना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है। अब प्राचीनता की यदि बहुत हम बहुत उदाहरणों में ना भी जाएं, तो जो राष्ट्र आज विकसित राष्ट्र माने जाते हैं उन राष्ट्रों की आयु कितनी है? जो यूरोप अमेरिका ये सब भी कहते हैं कि ईसा की शताब्दी के समय से बने, तो 2022 ही तो चल रहा है ना, और चलो 100-200 वर्ष पहले मान लो चलो, तो इससे पुराना तो इनका इतिहास नहीं है। मुसलमानों का जो हिजरी उनकी समय उसको कितने 1500 वर्ष हो गए, इसका मतलब 1500 वर्ष पहले तो मोहम्मद साहब नहीं थे, मुगल ही नहीं थे। तो जो भी सभ्यताएं रही होंगी, लेकिन ये तो नहीं थे इतने साल पहले कम से कम। तो जो 2000 साल के बच्चे हैं, जो 1500 साल के बच्चे हैं, वो अरबों वर्ष पुराने समाज और राष्ट्र को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, राष्ट्र बताने की कोशिश करते हैं, राष्ट्र की परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ध्यान में आंकड़ों के आधार पर इन चीजों की स्पष्टता रहना चाहिए। अब थोड़ा मैं इसकी तरफ आपको ज्यादा ले जाता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू की परिभाषा को लेकर भी कई बार हमारे यहां कंफ्यूजन पैदा करते हो कि नहीं, ये हिंदू नाम किसी और ने हमको दिया, और ने हमको दिया तो तुम्हें ये नाम प्रयोग करना। लेकिन आप हिंदू नाम प्रयोग करो, आर्य समाज के लोग आर्य प्रयोग करते हैं, भारतीय प्रयोग करो, सबके अर्थ तो एक ही निकलते। भारत में कुछ भी कंफ्यूजन हो, भारत के बाहर दुनिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो भारतीय कहने पर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं समझते, भारतीय कहने के मतलब ये भरत के द्वारा बसाया हुआ भारत। आर्य का मतलब जिन्होंने दुनिया को श्रेष्ठ बनाया, ये उनका देश है। तो दुनिया को श्रेष्ठ किन्होंने बनाया? हमारे ऋषि मुनियों ने। वो ऋषि मुनि कौन थे? उनको आर्य कहो, भारतीय कहो, दुनिया के लोगों ने हिंदू नाम दे दिया होगा, हिंदू कहो। लेकिन आज एक प्रचलित नाम हिंदू पड़ गया है, कुछ उसको बोलने में भी क्या हर्ज है? हम इस बहस में भी ना जाए, हिंदू नाम कब दिया, किसने दिया, कैसे दिया। लोगों ने तो निकाले वेद उपनिषद वगैरह, इस सब में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते, राष्ट्र शब्द का प्रयोग तो है ही वेदों। लेकिन कभी कभी आपका मेरा कुछ नाम है, लेकिन घर में कोई और नाम पड़ जाता है, या घर के पड़ोस के बाबा दादा चाची, पड़ोस में रहने वाली कोई काकी नानी, वो बच्चे की शक्ल सूरत देखकर, बच्चे को कुछ देखकर उसको कुछ नाम दे देते। पूरे गांव के लोग उसको किस नाम से जानते? बच्चे को असली नाम से तो जानते ही नहीं है, उसी नाम से जानते। तो किसी ने भी दिया, कुछ भी दिया, आज दुनिया में एक पहचान बन गई है कि ये हिंदुओं का देश है। तो उस पहचान से अपने को क्यों परहेज करना, अपने से क्यों बचना? अच्छा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, आप भारतीय कहो, आर्य कहो, हिंदू कहो, लेकिन हिंदू कहने से जो भाव निर्माण होता है वो भारतीय में थोड़ा घालमेल हो जाता है, हिंदू कहने से एकदम स्पष्ट भाव आता है। इसलिए हमारा आग्रह है कि भाई हम हिंदू कहेंगे, कोई भारतीय और आर्य कहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो सबको समानार्थी शब्द मानते हैं। तो भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है और एक हिंदू राष्ट्र। अब जब हम भारत की हिंदू राष्ट्र इसकी चर्चा करते हैं तो इसकी पहचान ये कोई संघ के आद्य सरसंचालक डॉक्टर एडगेवार ने कह दिया, आप तुझे गुरुजी ने कह दिया और किसी ने कह दिया, इसलिए ऐसा नहीं है ना। शासन ने भी उसको मान्यता दी है,
यदि शासन ने मान्यता नहीं दी होती तो भारत पेट्रोलियम ही होता ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो नहीं होता ना। हिंदुस्तान HMT, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, ये भारत मशीनरी टूल होता ना, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स जो होता। इसका मतलब जिन्होंने भी नाम रखे उनको स्पष्ट था कि नहीं इसमें ये हिंदुस्तानी, इसलिए तो ये नाम रखे गए। फिर आप जरा विचार करिए, जितने भी अपने पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कौन से नाम है, ट्रेन चलती है, एक ट्रेन बरेली से अजमेर जाती है उसका नाम अजमेर शरीफ है, बाकी नाम क्या है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस, इधर कर्नाटक में बसवा एक्सप्रेस चलती है, तो ये सब क्या है, ये सब कौन से नाम है। और ये नाम जो राजनीतिक दृष्टि से भी सोचा है, लोग कहेगा नहीं नहीं भाई ये बीजेपी के लोग आ गए, वो जरा भारतीयता की, हिंदुत्व की ज्यादा चर्चा करती है तो उन्होंने नाम रखी। ये सब नाम उनके समय के नहीं है, उनके समय के भी है वंदे मातरम एक्सप्रेस, लेकिन सब नाम तो पुराने। एक बार इंदिरा जी ने भी लाल किले से कहा था कि भारत 3000 वर्ष पुराना है, तो और कोई आंकड़ा दे सकती थी, 3000 वर्ष पुराना जो भी उस आंकड़े पर ही रहे तो 3000 2022 से ज्यादा है, 3000 1500 से तो ज्यादा ही है ना, तो इन सबसे तो प्राचीन ही राष्ट्र है ना। ऐसे कितने उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हमारे इसमें लोकसभा वगैरह में जो वाक्य लिखे हुए, भारत का देव वाक्य सत्यम शुभम सुंदरम, लोकसभा में लिखा हुआ धर्म चक्र प्रवर्तनाय, सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है यतो धर्मे ततो जय, संविधान में एक जगह अकबर का फोटो है, बाकी सब जो फोटो है वो किसके है, गुरु ग्रंथों के है, बौद्ध के है, जैन तीर्थंकर के है, राम लक्ष्मण सीता जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के लिए आ रहे हैं पुष्प विमान से उसका फोटो है, गणेश जी का फोटो है, ये सब क्या फोटो इंगित करते हैं। संविधान की भावना क्या है, संविधान की भावना हिंदुत्व है। सर्वोच्च न्यायालय में ये वाक्य ये कहां से आया, ये बाइबल से आया, कुरान से आया, हिंदू धर्म ग्रंथों से आया। APJ अब्दुल कलाम साहब ने नाम क्या रखे, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम क्या है, गजनी गौरी, गजनी गौरी वह नाम है क्योंकि उनका राष्ट्र उस पृष्ठभूमि में से बना। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब भी नाम रखते हैं तो पृथ्वी और ये रखते हैं ब्रह्मोस, ये सब नाम रखते हैं, ये सब नाम अपने शास्त्रों में से लिए गए। और जब APJ अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया कि भाई ये नाम आपको कहां से मिले, तो उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि वेदों में इस प्रकार की मिसाइल्स, इस प्रकार के बाण जो चलते थे उस समय, तीर कमान चलते थे जिसमें से अग्नि निकलती थी, बारिश होती थी, आदि आदि होती थी, उनकी गति इतनी थी, उससे मिलती हुई मेरी ये मिसाइल है, इसलिए मैंने इसका नाम, जैसे अग्नि बाण होते थे, बाकी बाण होते थे, इसका नाम अग्नि रखा है। ये APJ अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने इन शास्त्रों से लिया। ये शास्त्र कौन से शास्त्र है भाई, किनके शास्त्र है, ये शास्त्र हिंदुओं के शास्त्र है, तो प्राचीन काल से या कौन सा समाज रह रहा है, वो हिंदू समाज रह रहा है। और उसके प्रतिरूप संबंध है, हिंदुओं की जय भारत की जय बनी, हिंदुओं की पराजय भारत की पराजय बनी। अकबर जीतता है तो ये नहीं माना जाता भारत जीता, महाराणा प्रताप जीतते हैं तो ये माना जाता है भारत जीता,
औरंगजेब नहीं जीतता तो नहीं माना जाता भारत जीता, शिवाजी महाराज जीतते तो माना जाता भारत जीता। यानी हिंदू जीते तो भारत जीता, हिंदू हारे तो भारत हारे। यानी इस जय पराजय का इतिहास किस समाज से जुड़ा हुआ है, वो समाज हिंदू समाज है। देश का विभाजन हुआ तो किनको कष्ट हुआ, जिनके साथ इसका पुत्ररूप संबंध था उनको कष्ट हुआ। आप सबने एक कथा ये सुनी होगी कि दो महिलाओं में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, एक बालक को लेकर। एक महिला कहने लगी ये बालक मेरा है, दूसरी कहने लगी मेरा। झगड़ा इतना बड़ा, कहने लगे भी चलो राजा के पास उसका न्याय कराने चलो। और राजा के सामने भी बहुत सारी चर्चा हो गई, काफी देर लग गई। मंत्री को बुलाया और उनको बुलाया, उनका महाराज कैसे इसका, उस समय कोई डीएनए टेस्ट वगैरह की शायद पद्धति रही हो नहीं रही हो पता नहीं, तो इसका फैसला करना तो बहुत मुश्किल है। तो राजा को एक उक्ति सूझी, राजा ने कहा ऐसा करो तलवार लाओ, जब फैसला नहीं हो रहा तो कितना समय लगा लो, तलवार से बालक के दो टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, फिर बात समाप्त हो जाए। जैसे ही राजा ने आदेश दिया एक महिला जोर से चिल्ला पड़ी, नहीं मारा ये बालक इसी का, इसको दे। राजा ने निर्णय क्या दिया, राजा ने कहा नहीं, बालक के दो टुकड़े होने पर भी एक महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, और एक महिला चिल्ला कर कहती है महाराज मारो मत इसको, इसी का इसको दे, इसका अर्थ है बालक इसका। ये होता है पुत्ररूप समाज, ये होता है मातृत्व का भाव। विभाजन जब होता है तो पूज्य गुरु जी को नींद नहीं आती, क्यों होता है, वो इस भारत माता के साथ उन्होंने पुत्ररूप संबंध बनाया ना, इसलिए होता है। अब और भी कितनी बातें इसके बारे में ऐसी बोली जा सकती है, लेकिन हम जैसे किसान सामान्य रूप से भी हम इसकी चर्चा करें। मैं एक गांव में गया, ऐसी मीटिंग हो रही थी तो मैं उनको समझा रहा था भारत एक हिंदू राष्ट्र है। दो चार लोग बहस करने लगे कि नहीं यहाँ तो ये भी रहते ये भी रहते ये भी रहते तो इसको हिंदू राष्ट्र कैसे कह सकते। मैंने उनको बहुत समझाने की, जितने उदाहरण आपको दे रहा हूं उस समय जितनी समझ थी ऐसे कुछ उदाहरण उनको दिए, नहीं तो भी वो बहस करने वाले करे जा रहा था। इतने में एक बुजुर्ग सज्जन मजी जैसे कोई सज्जन में आदमी वो खड़े हुए, बोले भाई साहब आपने समझा लिया ना, इनको नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूं। गांव में बैठे थे सामने खेत थे, तो उन्होंने उन लड़कों से पूछा जो मीटिंग में आए ये खेत किसका है। मैंने आदमियों को बता दिया, उन्होंने आदमी नहीं पूछा इसमें कौन सी फसल लगी है किसका खेत है, बोले गेहूं का खेत है। बोले गेहूं का खेत क्यों है, ये तो सरसों का खेत है। तो लड़के जवाब दे रहे गेहूं गेहूं उग रहे हैं, बीच बीच में 10 पेड़ 20 पेड़ 50 पेड़ सरसों के हो गया है तो सरसों का खेत हो जाएगा। और उनका बुद्धू और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, इतनी देर से समझा रहे 10-20 कहीं रह रहे हैं किसी शहर में कुछ रह रहे हैं तो देश उनका है क्या। देश में 80-85% लोग कौन रहते हैं, जब ये खेत गेहूं का है तो देश इन लोगों का हुआ कि नहीं। मैं बच गया समझा, उन्होंने गांव के बुजुर्ग ने समझा दिया जैसे राजा ने समझा दिया एक है। अब ठीक है, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा समझाना पड़ता। मैं शायद ये कहता तो नहीं समझाता, मैं भी उत्तर कर्नाटक के संघ शिक्षा वन में गया हुआ ऐसे ही विषय है। तो वह उन्होंने कहा कि वो तूर की खेती होती है ना कर्नाटक में, उसमें वो ककड़ी वगैरह लगाते हैं, क्या कहते हैं सोते भाई सोते काई, हाँ तो खेत तो तूर का ही कहलाता है ना, या सोते काई का कहलाता है। आपके हर जगह ऐसे ही होगा, धान होता है तो कुछ बीच बीच में उगाते हैं। और उत्तर भारत में गेहूं में जब सरसों उगती है तो उसे पीले पीले फूल भी लगते हैं, दूर से चमकते भी हैं, आजकल भी कुछ लोग चमकते हैं ऐसे।
तो भी खेत तो डूब गए कहलाता है। तो मैंने आपको तर्क वाले उदाहरण भी दिए और एक सरल उदाहरण भी दिया कैसे समझाया जा सकता है। अब ये ठीक है, हम कहेंगे ये लोग मानेंगे नहीं, तो जैसा सामने है वैसा करना पड़ता है। डॉक्टर एडगेवार जी के सामने एक बार विषय आ गया, डॉक्टर एडगेवार जी उनकी एक प्रतिष्ठा थी नागपुर में, उन्होंने मेज पर जोर से घुसा मार के कहा मैं डॉक्टर एडगेवार कहता हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र, इसलिए हिंदू राष्ट्र। सब चुप हो गए। डॉक्टर एडगेवार का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके एक बार कहने के बाद ऐसा ऐसा चुप हो गया। गुरु जी ने भी बोला है, बाला साहब जी ने भी बोला है कि भाई ये तीन सिद्धांत जो संविधान में शुरू में थे बाद में जोड़ दिए गए, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों भी तब तक है हिंदुस्तान में जब तक भारत में हिंदू बहुलता। जिस दिन भारत में हिंदू बहुलता नहीं रहेगी उस दिन सिद्धांतों को नकार दिया जाएगा। इसलिए सिद्धांत है भी, सेकुलरिज्म भी आया है, तो किस कारण से? क्योंकि लाने वाले हिंदू थे, इसे सेकुलरिज्म शब्द आया। सेकुलरिज्म की परिभाषा धर्म निरपेक्षता की जाती है, वो परिभाषा गलत है। संविधान में भी उसके लिए शब्द पंथ निरपेक्ष ही बोला गया। पंथ निरपेक्ष ये हिंदू का स्वभाव है, सभी मत पंथों को हम समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ये अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग समय पर ये बोला। अब हिंदुत्व कई बार हमको ये लगता है भाई हिंदुत्व क्या है, आजकल हिंदुत्व की पहचान क्या बन गई, लव जिहाद का विरोध करना हिंदुत्व है, वैलेंटाइन डे का विरोध करना हिंदुत्व है, मतांतर को रोकना हिंदुत्व है। अब ये पहचान कुछ लोगों ने बना दी और इसी में से दुनिया को कहने का अवसर मिलता है हिंदू तो कट्टरवादी। हमारे यहां गांव में कथा कीर्तन होता है तो नारे लगाए जाते हैं, धर्म की क्या लगाते हैं, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, मेरे देश की अनपढ़ कुड़ी माँ भी क्या बोलती है, विश्व का कल्याण, कोई नहीं कहती मेरे बेटे का कल्याण। यानी हिंदू एक इंक्लूसिव, सबका विचार करने वाला है, हमारे जितने वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया को हमने कुटुंब माना, पूरी दुनिया के देश पूरी दुनिया को मार्केट मानते, वर्ल्ड इज मार्केट, हमने कहा नहीं ये वसुधैव कुटुंब, हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे वद्यानु पश्यन्ति मा भागवते। अब यहां भी हमने ये नहीं कहा मैं सुखी हूं मैं निरोग, हिंदू शास्त्रों में क्या बताया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो सभी निरोग हो, ये हिंदुत्व। अभी कभी कोई पूछता है हिंदुत्व क्या है, तो लोगों के दिमाग में मीडिया के कारण बाकी सबके कारण एक ऐसा बैठ गया है, आजकल डिबेट इसी तरह की चीजें होती है, हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोग करते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया में अपने भी कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसके कारण एक हिंदुत्व की पहचान उसी तरफ की बन गई। कोई पूछा भाई हिंदुत्व इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है, हिंदुत्व यानी वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुत्व यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, हिंदुत्व यानी विश्व कल्याण की भावना, हिंदुत्व यानी मातृ पर पल धारेषु। हमारा विवाह हुआ है तो ठीक है, एक पति स्वरूप है, बाकी हम सब में माता का स्वरूप देखते हैं और हमारे यहां माता इतनी श्रद्धा का स्थान है, जिसके प्रति श्रद्धा निर्माण करनी है उसके आगे माता लगा दो, गंगा माता, गौ माता और सब माता है ना, भारत माता, तुलसी माता। अब आप तमिलनाडु में जो उत्तर से आए हैं पश्चिम से आए, वहां तुलसी की इतनी पूजा नहीं है जितनी यहां तमिलनाडु केरल में आप देखो, या हर घर के बाद कमरा मिल जाएगा,
और शाम को घर का कोई ना कोई सदस्य महिला पुरुष बच्चा दीपक जरूर जलाएगा। ये भारत है, भारत की एकता अखंडता की बात भी होती है, तो उसकी चर्चा अभी आप सबसे नहीं कर रहा। वीर सावरकर जी को तो कट्टर हिंदू कई बार लोग बोलते हैं। एक वीर सावरकर जी ने कहा, ये तुम मुसलमान हो इसलिए अब हिंदू है, क्रिया प्रतिक्रिया। और उनका हिंदू विश्व मानव है, और सही है। जब हम विश्व कल्याण की बात करते हैं तो हम क्या हो गए, हम विश्व मानव हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया 1893 में शिकागो में, उसमें उन्होंने कहा किसी को छोड़कर विचार करने वाला ये हिंदू नहीं है। हम सबका विचार करते हैं वो हिंदू है। उन्होंने एक जगह कहा है कि संस्कृत हमारी यहाँ की प्राचीन भाषा है, और बोले जब मैं एक अंग्रेजी का